बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपने लाहौर की बट कढ़ाई तो सुनी होगी, नाम खाया भी होगा ज़रूर। तो मैं आपको बट कढ़ाई की रेसिपी अपने स्टाइल में सिखाऊंगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैंने लिया है हाफ कप ऑयल या घी, जो भी आपको लो, और एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, ब्रिक चॉप करके मैंने इसको रफली ब्रिक चॉप कर लिया है। इसको मैंने कढ़ाई में डालना है। इसमें मैंने डाला है एक चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इन दोनों को हल्का सा सोते करेंगे और फिर मैं इसमें डाल दूंगी हाफ़ के जी चिकन। ये तकरीबन हाफ़ के जी चिकन है, इसका मैं वाइट कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करूंगी। ये हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये हल्का सा कलर इसका चेंज होगा। तो इसमें हम साथ में फ्राई करते हुए डाल देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक नमक, जितना आप नमक खाना पसंद करते हैं उतना आप अपने नमक शामिल कर दीजिए। इसका ये कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें दो दरमियाने साइज़ के टमाटर हाफ़ कटिंग करके, दो टमाटरों के दो स्लाइस करके हम इसमें रख देंगे, इसमें शामिल कर देंगे। ये दो टमाटर हम इस पे इसमें रख देंगे और इसकी हीट को कर देंगे स्लो, और इसको हम 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो हीट पे 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये 10 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कि चिकन ने अपना भी पानी छोड़ दिया है और ये इसमें गल भी गया होगा। ये टमाटरों के छिलके हम अलग-अलग कर लेंगे, किसी भी चीज़ के साथ, कोई चिमटे के साथ आप इसको अलग-अलग कर लें। मुझे तो आदत है, मैं ऐसी चीज़ें हाथों से कर लेती हूँ, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको निकाल लें। और हम इसको अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस शामिल करेंगे इस स्टेज पे। इसको हम मिक्स करेंगे, इसमें डालेंगे स्पाइसेस। इसमें हम इस डालेंगे हाफ़ टी स्पून गदरा मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़े ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप कम खाते हैं तो इससे भी कम डाल सकते हैं। अब हम इसकी तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, और भुनाई करते वक्त इसमें बारीक कटा हुआ लंबाई में अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। हम इसको 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। ये इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे हाफ़ कप, 3 टेबलस्पून या हाफ़ कप के जितना दही इसमें डालेंगे। और हम इसको 2 मिनट के लिए, इसको 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे। 1 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे और चूल्हा हम बंद कर देंगे। ये हमारी कढ़ाई अब हो चुकी है डन। और अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से सब्ज़ धनिया और लंबाई में कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और अदरक, ये शामिल करेंगे। और ये कढ़ाई हमारी डन हो चुकी है। आप इसको कढ़ाई में भी पेश कर सकते हैं, कढ़ाई में भी इसी तरह ही डिश आउट कर लें या कढ़ाई में ही आप इस तरह ही आप इसको डेकोरेट कर लें। ये कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है, आप इसे खाएं और मुझे कमेंट्स करें ये कैसे बनी है, और आपको बहुत पसंद आएगी। ये बट कढ़ाई लाहौर की मशहूर बट कढ़ाई की रेसिपी है। आप इसे, अब मुझे इजाज़त दें, आप इसे करें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।